मशहूर कहावत है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। और अगर वो सपने आपके लिए आपके माँ बाप ने देखे हो तो फिर उन्हें पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी कर्नाटका के छोटे से गांव बीजापुर में पैदा हुई राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ। इनके घर का माहौल बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून तो नहीं था, पर बेशक बॉर्न विद लॉट्स ऑफ टैलेंट जरूर था। संगीत से लेकर स्पोर्ट्स तक सब में रुचि रखने वाले परिवार में 1 जून 1991 को जन्म हुआ राजेश्वरी गायकवाड़ का। बचपन में ही जैवलिन और डिस्कस थ्रो जैसे खेल में अपना कमाल दिखाने के बाद राजेश्वरी ने पापा के कहने पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। साल 2007 में बीजापुर में जब गर्ल्स के लिए क्रिकेट अकेडमी खुली तो राजेश्वरी ने सोचा चलो इसमें भी हाथ आजमा लेते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले वो ये भी नहीं जानती थी कि लेदर बॉल से भी क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ टेनिस बॉल से ही मुलाकात हुई थी क्रिकेट के मैदान में। धीरे धीरे उनकी रुचि क्रिकेट के मैदान में ज्यादा और कॉलेज के क्लासरूम में कम होने लगी। रोज सुबह प्रैक्टिस के बाद कॉलेज जाती थी गायकवाड़। पिताजी को ये बात जब समझ आई तो उन्होंने अपनी बेटी का पूरा साथ दिया और निकल गए राजेश्वरी को लेकर कर्नाटक टीम में सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए। पर प्राइमरी स्कूल के एक आम शिक्षक थे शिवानंद गायकवाड़। वो ये अच्छे से समझ रहे थे कि उनकी आमदनी में राजेश्वरी को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाना खैर आसान होगा नहीं, पर वो कहते हैं ना, बड़े सपने देखने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और मिस्टर गायकवाड़ बिल्कुल तैयार थे इस कठिन सफर की शुरुआत करने के लिए। मन में जोश और आंखों में उत्साह लेकर ट्रायल्स में पहुंच गए दोनों पापा और बेटी की जोड़ी। देखा तो लंबी कतार थी लगभग 200 लड़कियों की। क्या इन 200 लड़कियों के बीच राजेश्वरी अपनी पहचान बना पाएगी, यह जानना बाकी था। पापा की पुरानी पतलून, छोटे से मार्केट से लिया हुआ साधारण सा टी शर्ट और क्लब में मिली हुई क्रिकेट की किट पहन के राजेश्वरी मैदान पर उतरे और अपनी तेज गेंदबाजी का जलवा दिखाया, और इस तरह बन गई राजेश्वरी डोमेस्टिक क्रिकेट टीम का हिस्सा। राजेश्वरी ने डोमेस्टिक क्रिकेट का पहला मैच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खेला, जिसके बाद उन्हें 9,000 रुपये डेली अलाउंस के रूप में मिले। उन दिनों घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। उस दिन जैसे ही राजेश्वरी अपने पापा से मिली, उन्होंने सारे अलाउंस के पैसे पापा के हाथों में थमा दिए। ये देखकर पापा की आंखों में नमी तो जरूर थी, पर वो उनके लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला लम्हा भी था। अब राजेश्वरी को डोमेस्टिक टीम में खेलते हुए पूरा एक साल हो गया था। फिर आया कर्नाटक अंडर 19 टीम का सिलेक्शन। राजेश्वरी काफी नर्वस थी, वो गेंदबाजी करती जा रही थी पर ओवर खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक दर्जन बॉल डालने के बाद भी उनका प्रदर्शन बाहर निखर कर आया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि राजेश्वरी का कॉन्फिडेंस कहीं खो सा गया हो, वो अपनी ही गेंदबाजी में उलझ सी गई हो, उनके फास्ट बॉलिंग का कमाल कहीं मिसिंग था। ये सब देखते हुए कोच ने तुरंत कहा, क्रिकेट में अगर कमाल करना है राजेश्वरी तो तुम्हें बॉलिंग स्टाइल बदलनी पड़ेगी, स्पिनर बन जाओ। राजेश्वरी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ फास्ट बॉलिंग की थी और फास्ट बॉलर बनने का सपना देखा था। उन्हें एहसास हुआ कि शायद अब मैं लंबे समय तक क्रिकेट खेल नहीं पाऊंगी। जब ये बात निराश होकर राजेश्वरी ने अपने पिताजी से शेयर की तो पिता ने समझाया कि गुरु की बात को टालते नहीं है, जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करो। राजेश्वरी ने पापा की बात को मानते हुए स्पिन बॉलिंग सीखने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में राजेश्वरी को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। प्रैक्टिस के बाद पूरा शरीर दर्द करता था। आफ्टर ऑल अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल जो होता है, फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन बॉलिंग जरूर है, पर बहुत मुश्किल काम है, बहुत अलाहिदा काम है। लेकिन लगातार कई महीनों के बाद राजेश्वरी बन गई थी लेफ्ट आर्म स्पिनर, और यह डिसीजन उनके लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन निकला। 2013 में रांची में चैलेंजर्स ट्रॉफी खेलने के बाद राजेश्वरी को पता चला कि वो इंडियन नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो पाया था कि ये सच है। राजेश्वरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तुरंत पापा को फोन लगाया, पापा ने खबर सुनी और तुरंत फोन रख दिया। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनकी बेटी इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलेगी, उनका सपना साकार करेगी। ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन की ये सबसे बड़ी जीत थी, राजेश्वरी द इंडियन क्रिकेटर। फिर क्या होना था, 19 जनवरी 2014 को राजेश्वरी ने अपना ओडीआई डेब्यू किया श्रीलंका के अगेंस्ट, और पहले ही मैच में 2 विकेट लेकर अपनी धमाकेदार बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाया। इट वॉज जस्ट अ परफेक्ट ड्रीम डेब्यू फॉर हर। इसी साल अगस्त में राजेश्वरी इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप खेलने वाली थी। पापा अपने बच्चे के पहले फॉरेन टूर को लाइव देखने की तैयारी में थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वो इंग्लैंड सीरीज खेलती,
राजेश्वरी के पापा की कार्डियक अरेस्ट के चलते डेथ हो गई। राजेश्वरी इस हादसे से खुद को संभाल पाती उससे पहले ही उनके सर पर घर की जिम्मेदारियां आ गईं। अब उन्हें क्रिकेट के साथ साथ घर के फाइनेंसिस का भी ध्यान रखना था। पापा के जाने के बाद राजेश्वरी घर की एकमात्र अर्निंग मेंबर थी, जिस वजह से 2015 में राजेश्वरी ने रेलवे के लिए खेलना शुरू किया। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया राजेश्वरी ने। इसका जीता जागता उदाहरण है 2017 का विश्व कप। कुछ याद आया? जी हाँ, 2017 का वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जिसमें भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची। इंग्लैंड के सामने जरूर 9 रन से फाइनल में हार मिली थी, पर उस दिन इंडियन विमेंस क्रिकेट ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। और राजेश्वरी का बहुत बड़ा योगदान था भारतीय क्रिकेट को, उस टीम को उस मुकाम तक पहुंचाने में। चलिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड मोड में लेकर चलते हैं। राजेश्वरी को वर्ल्ड कप में लगातार 6 मैचेस में चांस नहीं मिला था, लेकिन जब 7वें मैच में उन्हें मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करने का, तब राजेश्वरी भूखे शेर की तरह मैदान पर उतरी और न्यूजीलैंड टीम के सिर्फ 15 रन देते हुए लगातार 5 विकेट लिए। ये आज तक का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है राजेश्वरी के करियर का। इस दिन भारत को अपनी वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मिल गई थी। उसके बाद से ऑलमोस्ट हर मैच में कंसिस्टेंट रही हैं राजेश्वरी और हर मैच में अच्छा परफॉर्म करती आई हैं। 2022 नया साल आ गया है और इस साल फिर इंडियन टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है। क्या इस साल वर्ल्ड कप में हमारी जीत हो पाएगी? क्या इस साल फिर से कोई नया रिकॉर्ड कायम कर पाएंगी राजेश्वरी? क्या फिर से एक साधारण सी नौकरी करने वाले पिता अपनी बच्ची को प्रोफेशनल क्रिकेट बनाने का सपना देख पाएंगे? क्या फिर एक बार साबित हो पाएगा कि अगर आपके इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो, तो आपका सपना साकार होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। गो वेल राजेश्वरी, वी आर ऑल विद यू।